नमकीन सेवैया बनाना बहुत आसान है। एक भी दाना देखिए चिपका नहीं है, सारे दाने एकदम खिले खिले हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, रोज़ रोज़ के नाश्ते खा खा के आप बोर हो गए हैं, तो आप यह नाश्ता ट्राई कर सकते हैं। झटपट बन भी जाता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप यह नाश्ता सुबह शाम के नाश्ते में बना सकते हैं और बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई ले लिया, इसमें हमने 2 चम्मच घी डाल दिया है। अब लेंगे हम सेवैया। तो सेवैया मोटा पतला आप ले सकते हैं, लेकिन हमने जो लिया है मीडियम साइज का है और यह सूजी से बना है। तो बस सेवैया इसमें डाल देंगे। घी हमारा पिघल गया है तो सेवैया को हमें भूनना है। तो हम जो कटोरी से लिए हैं सेवैया, इसी से हम 1.5 कटोरी सेवैया इसमें डाल रहे हैं। तो आप नाप के ही डालिएगा ताकि आपका सही तरीके से बन के तैयार हो दोस्तों, क्योंकि जब हम सही तरीके से बनाते हैं तो हमारा रेसिपी बहुत ही अच्छा बनता है। तो अब हमें सेवैया को भूनना है। तो गैस का फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखा है। तो देखिए सेवैया बहुत जल्दी भुन जाता है, भुनने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन यह है कि आँच तेज मत करिएगा, नहीं तो फिर जब बहुत जल्दी जलने में लगता है। देखिए हमारा सेवैया हो गया, कलर देखिए पूरी तरह चेंज हो गया है। तब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। सेवैया हमारा तब तक ठंडा होता है। तो बस उसी कढ़ाई में हम ले लेते हैं 2 चम्मच और घी। तो इसमें हम भूनेंगे सेंगदाना या मूंगफली, आप जो भी बोलते हैं। तो मूंगफली रोस्ट करने में भी हम आज को तेज नहीं करेंगे, और गैस का फ्लेम अभी हमने मीडियम रखा है, क्योंकि तेज आंच पे मूंगफली जल जाएगी तो कड़वाहट आ जाएगी मूंगफली में। तो देखिए हमारा मूंगफली जब चटकने लगे तो समझिए आपका हो गया है। इसे हम निकाल लेते हैं बर्तन में। तो इस तरह से हम निकाल लिए। तो हमारा जो बचा हुआ घी है उसी में हम डालते हैं 1 चम्मच चना दाल और 1 चम्मच यहाँ पे हमने मूंग दाल लिया है। आप इसकी जगह उड़द दाल भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिए हैं राई, तो 1/4 चम्मच हम यहाँ पे राई डाले हैं। तो थोड़ा सा दाल को रोस्ट करेंगे, तब तक हमारा सरसों राई भी चटक जाएगा। तो इसमें हमने डाला है बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। तो मिर्च आप स्वाद के हिसाब से डालिएगा, आप जैसे तीखा पसंद करते हो। अब यहाँ पे हमने लिया है 1 बड़े साइज का प्याज, इसको भी हमने बारीक कट करके लिया है। तो प्याज को थोड़ा भूनेंगे। तो अब यहाँ पे हमने लिया 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको हमने खल में डाल के कूटा है। तो यदि आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। तो प्याज को भूनेंगे, बहुत ज़्यादा कलर हमें नहीं डार्क करना है, इतना हो कि हमारा प्याज पक जाए, ट्रांसपेरेंट जैसे दिखने लगे। तो अब यहाँ पे हमने लिया 1 गाजर, इसे भी हमने बारीक कट करके डाला है। यदि आपके पास गाजर है तो आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। और यदि नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी करिएगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे रेसिपी। यहाँ पे हमने 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डाला है। अच्छे से भूनेंगे टमाटर और प्याज को। इसमें हमने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है। तो जब अच्छे से हम भूनेंगे तो हमारा बढ़िया से गल जाएगा। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। जब भी हम टमाटर भूनते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो बहुत जल्दी से टमाटर गल जाएगा। इसमें डालते हैं हम 1/4 चम्मच से 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। तो अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा मसाले इसमें डालेंगे नहीं, बढ़िया से मिक्स कर देंगे। अब इसको ढक्कन लगा के 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच पे पकने देंगे ताकि हमारा टमाटर और अच्छे से गल जाए। तो देखिए हमारा टमाटर गल गया है। तो इसको करछी से दबा दबा के हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। देखिए हमारा अच्छे से हो गया है। तब यहाँ पे हम डाल रहे हैं पानी। तो हमने 1.5 कटोरी सूजी लिया है, तो हमको 3 कटोरी पानी डालना है। जितना आप सूजी लेंगे उसका डबल पानी आपको डालना है। इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हमने पहले भी थोड़ा सा डाला है। तो देखिए हमारा पानी अच्छे से उबलने लगा। तो अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं, तो दोस्तों इसमें हम डाल रहे हैं मैगी मसाला।
तो ये छोटा वाला जो पाउच है वो आप भर के डाल देंगे। तो यहाँ पे हम इसमें डाल रहे हैं क्योंकि मैगी मसाला बच्चे बहुत पसंद करते हैं और आप जब इसमें डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। यदि आप पसंद करते हैं तो डालिएगा, नहीं तो आप स्किप करिएगा। पानी और मसाला 2-3 मिनट तक हम इसको अच्छे से पकने देंगे। तो देखिए हमारा अच्छे से हो गया है, 2-3 मिनट हो गया, तो अब इसमें हम डालते हैं सेवइयाँ। तो बस थोड़ा थोड़ा करके आप सेवइयाँ डालेंगे और एक हाथ से उसको मिक्स करते रहेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो पूरा गुच्छा बन जाता है पानी में जाके। और जब सेवइयाँ आप डाल रहे हो तो गैस का फ्लेम आप धीमा कर दें ताकि आपको मिक्स करने में दिक्कत ना आए। तो देखिए इस बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। अब ये मिक्स हो गया है, इसको अच्छे से मिला दीजिए पूरा। अगर कहीं आपको दिखता है इकट्ठा हुआ तो उसको भी आप छोड़ा दीजिए। तो बस अब ढक्कन रख के इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 3-4 मिनट तक पकने देंगे, बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे। तो देखिए हमारा ये हो गया है, अच्छे से ऊपर नीचे मिला देंगे बढ़िया से, क्योंकि जब सब्जियाँ पकने लगती हैं तो ऊपर ऊपर को आ जाती हैं, तो आप ऊपर नीचे अच्छे से मिला लीजिए। तो देखिए सारा दाना कैसे खिला खिला है, एक भी सेवइयाँ चिपका नहीं है और कितने अच्छे से दिख रहा है। हम चेक करते हैं हमारा पका कि नहीं पका। तो देखिए हमारा सेवइयाँ पक गया है। तो जैसे हम चावल चेक करते हैं उसी तरीके से आप सेवइयाँ भी चेक कर लीजिए। तो देखिए हमारा कितना अच्छे से हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं नींबू का रस। तो यदि नींबू में कम रस है तो आप पूरा नींबू ले लें, अगर ज़्यादा रस है तो आप आधा नींबू डालेंगे, बस उतना काफ़ी है। करीब 1 से 1.5 चम्मच में रस चाहिए। तो नींबू का जूस डालने के बाद भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि नींबू का जूस पूरा अच्छे से मिल जाए। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं करछी से उठा के कितना अच्छा से हमारा सेवइयाँ बन के तैयार हुआ है। उपमा सेवइयाँ बनाना बहुत आसान है दोस्तों, सिर्फ आप सही तरीके से सारी चीज़ें डालेंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो में आपने जैसे देखा आप उसी तरीके से बनाइएगा, और आपका कैसा बनता है, आपको कैसा लगता है, हमको ज़रूर बताइएगा। तो देखिए कितना बढ़िया से झटपट तैयार हो गया है। आप या हेल्दी नाश्ता बनाएं, बच्चों को टिफ़िन में भी दें, बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। आप ऑफिस भी ले जा सकते हैं और घर में नाश्ते में भी बना सकते हैं। तो चलिए हम सर्व करते हैं। देखिए इसका दाना दाना कैसे खिला खिला है, और हमने इसको पहले से बॉयल करके नहीं रखा है, और इसके बाद भी देखिए हमारा कितना अच्छा से बन के तैयार हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छे से बन जाता है, लेकिन सिर्फ ध्यान देने वाली बात यही है कि पानी की मात्रा आप सही रखिएगा। तो अब हमने जो मूँगफली भून के रखा है ऊपर से मूँगफली भी डाल देते हैं इसमें, क्योंकि मूँगफली डालने से भी इसका स्वाद बढ़ जाता है। तो देखिए दोस्तों कितना झटपट कितना अच्छा से नाश्ता हमारा बन के तैयार हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कमेंट भी करिएगा कि आपको कैसा लगा। तो आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है दोस्तों। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको पता चल सके। हम ऐसे ही आसान रेसिपी लेके आते रहेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।